हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ गाइस मैं आप सब लोगों का मज़ेदार गाड़ी के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर गाइस। और कल बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर ये कह रहे थे कि आरिश भाई, आप सिंगल सिंगल गाड़ियों को यहाँ पर जो है टेस्ट करते हो, एक बार अलग अलग गाड़ियों को भी करो। कोई आपका फ्रेंड वगैरह है तो आप पीछे देख पा रहे हो, बॉडी बिल्डर साहब हैं इनकी है ये। भाई कौन सी गाड़ी है इनकी, S11 है शायद, GYM लिखवा रखा भाई ने अपने टैबलेट में, कुछ देख रहा था दोस्तों। ओ भाई पगला गए हो का? अरे भैया हमको तो लगता है ससुरा पगला गए हो तुम। ओ भाई साहब, ये बंदा दोस्तों दिमाग से थोड़ा सा पैदल है, मैं इसको कुछ कहना नहीं चाहता। रुक जा तू बेटा, गन मैं ना घर छोड़ के आया आज, अगर मेरी गाड़ी में लग गई ना फिर देख ली मैं तेरा क्या हाल करूँगा बेटे। बॉडी बिल्डर यार बाहर आ, बॉडी बिल्डर बात करनी है कुछ, बाहर आ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो गाइज ये बॉडी बिल्डर साहब है जो कि आज हमारे साथ करेंगे ऑफ रोडिंग। अपनी न्यू कल ही निकलवाई है इन्होंने गाड़ी, इनकी गाड़ी का जो नाम है वो है स्कॉर्पियो S11, ब्लैक कलर का वेरिएंट है, 2021 वाली कार है। इनकी गाड़ी मॉडिफाइड भी है, देखो ऐ हाय हाय हाय, और तगड़िया वो कर लो। मेरी सुक्की सुक्की बाजुएं देखकर दोस्तों हंसना मत, मैं कुपोषण का शिकार नहीं हूँ। वो तो भाई मैं बचपन से ही थोड़ा पतला था, ठीक है, फिर मैं आर्मी में भी गया। खैर इसके जैसी बॉडी तो खैर नहीं है मेरे पास, पर क्या कर सकते हैं अब दोस्तों, छोड़ो चलो, ऐसे ऐसे बंदों से मुंह नहीं लगते। तो गाइस ये है गाड़ी। ओए ओए तेरी ऐसी तैसी, हट जा, हट, बनाओ तुझे सलमान खान। तो गाइस ये इसकी गाड़ी है भाई, मत ठोकियो, देख भाई मत ठोकियो, ठीक है। तो गाइज़ वो बंदा जो है मज़े ले रहा है। तो गाइज़ ये रही मेरी गाड़ी, आज हम यहाँ पर एक्सट्रीम ऑफ रोड करेंगे दोस्तों और देखेंगे ये मेरे आगे रहेंगे। हाँ उंगली दिखा लो ससुर का नाती, उंगली दिखा लो तुम, इधर बराबर में लाकर गाड़ी खड़ी करो। चलो इधर को ले आओ, बराबर में लाकर गाड़ी खड़ी कर दो यार, मेरे बराबर में ले आओ गाड़ी को। और यार यहाँ पर जो है अब हम जो गाड़ियों को एक बार टेस्ट करने वाले हैं, और ये जो गाइस मैं आगे चलूँगा और ये मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं। तो चलिए सर आ जाइए, मेरी यहाँ पर दोस्तों द ऑल न्यू फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2.8 यानी कि 2800 सीसी का इस गाड़ी के अंदर इंजन है और E4 है, ठीक है। बट ये मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो लेजेंडर है दोस्तों 4x2 आती है, ये 4x4 नहीं आती टोयोटा की तरफ से, ठीक है ना। जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर है वो 4x4 आती है, बस ये डिफरेंस है। आ जाओ भाई, जो स्कॉर्पियो है मेरे ख्याल से ये 4x4 है। सर जी आ जाइए, आप पीछे रहिए मुझसे, ठीक है। बाकी दोस्तों वो आ रहे हैं गाड़ी में अपनी, और ना आराम आराम से चलानी है सर गाड़ी, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। आ जाइए, देखते हैं दोस्तों उसकी गाड़ी यहाँ पर कहाँ पर फंसेगी और मेरी कहाँ पर फंसती है। चलिए काफ़ी आराम आराम से लेकर चलिए भाई साहब, क्या मस्त है भाई। अरे सर जी आपकी गाड़ी का तो भाई लगता है कचुम्बर वचुम्बर निकल जाएगा आज, कैसे तुम्हारी गाड़ी चल रही है। ओ भाई अभी मेरी गाड़ी दोस्तों यार यहाँ पर ठुक जाती ना, खतरनाक सीन बन जाता है यार, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। ओ ओ चाचा भाई कितनी तेज चला रहा है यार वो भाई, मेरी गाड़ी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लोड मान रही है दोस्तों यहाँ पर। ओके तो भाई मेरे सामने आ रहा है बार बार, चलो इधर को चलते हैं अपना आराम आराम से, सही है। ओके तो गाइस वो बंदा सामने, मैं जो यहाँ से आराम से करूँगा क्योंकि भाई मेरी गाड़ी ना लग ना जाए, ठीक है। ओके तो इजीली दोस्तों अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर जो चढ़ गई हैं भाई, उधर से जाना है वो देख किधर जा रहा है भाई, लगता है ना अपनी नई गाड़ी की ऐसी तैसी करने के चक्कर में। भाई ये बंदा इसने ठोक दी भाई गाड़ी को भयंकर तरीके से, इसकी गाड़ी तो भाई टूट फूट गई। भाई मैं जा रहा हूँ इधर से आराम से, आओ। अगर बेटा मेरी गाड़ी में ठोक दी ना बॉडी बिल्डर, तूने फिर देख ले मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूँगा यहाँ पर। भाई वो आ रहा है दोस्तों सामने से, वो भाई उसने बंदा उड़ा दिया, बंदा उड़ गया भाई साहब, वो लड़की उड़ा दी इसने। चल 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 आगे चल, आगे चल, आगे चल बेटी आगे चल, चलो चलिए। तो गाइस हम चलते हैं आराम आराम से। ओ भाई साहब, बाकी दोस्तों यार यहाँ पर ना काफ़ी आराम से चलानी हो गाड़ी, ये 4x2 है तो थोड़ी सी चढ़ने में हल्की सी इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बहुत हल्की हल्की सी, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो चल चल, अरे भाई साहब अभी मेरी गाड़ी के अंदर भी ठोक रहा है बंदा, इसकी गाड़ी की तो दोस्तों बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो चुकी है यहाँ पर, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो गाड़ी है क्या है, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। चलिए हम तो चलते हैं भाई अपना आराम आराम से, ये देखो दोबारा आके सामने। अरे चाचा जी
उधर से सीधा रोड पे को चलो ना। कहाँ इसके ऊपर को जा रहे हो? कहाँ? चलो आ जाओ। तो गाइस ये यहाँ को ला रहा है गाड़ी। आज आराम से चलानी यार गाड़ी, इतनी तेज़ काहे चला रहे हो रे भैया। चलो तो गाइस यार यहाँ से मैं मोड़ता हूँ। भाई साहब इसने देखो कहाँ से कूदा दी। बाकी चलिए मुझे यहाँ से अपना आराम से मोड़ लेनी चाहिए। हल्की सी बैक करता हूँ, हल्की सी इधर को। सही है। चल अबे तेरी भाई, वो देखो दोबारा आगे निकल गया मुझसे। मुझे काफ़ी आराम से चलानी पड़ेगी भाई गाड़ी, वो दोबारा ठुक गया। भाई साहब आपके बस की बात नहीं है, आप थोड़ा पीछे आइए ना, आपके बस की बात नहीं लगती है। बाकी भाई ये पीछे आ रहा है, मैं यहाँ से सीधी चढ़ाने कोशिश करता हूँ गाड़ी। खैर दोस्तों लोड बहुत ज़्यादा मान रही है क्योंकि 2.8 का इंजन है इसके अंदर, 2800 cc। कम से कम गाड़ी के अंदर 4 या 5000 cc का इंजन हो तो वो ठीक चलती एकदम यहाँ पर। बाकी भाई स्कॉर्पियो S11 की तो भाई बिल्ड क्वालिटी एकदम जीरो क्लास मेरे को यहाँ पर लगी है, मुझे इतनी अच्छी लगी भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो गाइज हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आ जाओ सर जी, ला अपनी गाड़ी तो खड़ी करो इधर। अगर मेरी गाड़ी गिर गई ना सर, भाई इसकी गाड़ी आगे जा रही है, मुझे अपनी कार को पीछे करना है। हो जा धन्नो मेरी, धन्नो हो गई पीछे। चलो सही है। अरे यार इधर को लगा लो अपनी गाड़ी बेटा, फॉर्चुनर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है स्कॉर्पियो, समझ गए तुम? आ जाओ, स्कॉर्पियो क्या बिगाड़ेगी फॉर्चुनर का। भाई साहब इस बंदे की गाड़ी के अंदर दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं यार, इसने स्कॉर्पियो के अंदर हाइड्रोलिक्स लगवा रखे हैं क्या? सही है, मेरी गाड़ी में तो लगे हुए हाइड्रोलिक्स, बट मैं सोच रहा था दोस्तों यहाँ पर पहले लगवाने की, उसके बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर नहीं लगवाया क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी को डांसिंग कार यहाँ पर नहीं बनाना है। आ जाइए सर एक बार यहाँ पर चलिए फॉर्च्यूनर की, और एक बार चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स और आपकी गाड़ी को फिक्स करा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं माउंट चिलियार्ड पर और यहाँ पर आपकी गाड़ी का एक बार क्रैश टेस्ट करके देखते हैं। भाई उसने बंदे ने कुदा दी, वो जा रहा है लॉस सैंटोस कस्टम्स। तो चलिए दोस्तों मैं तो नीचे रोड से ही पहुँचूंगा। तो राइट गाइस, तो हम यहाँ पर भाई माउंट चिलियार्ड पर जा रहे हैं। चल भाई, भाई साहब ये जो जिम लवर है ना बहुत तेज़ चला रहा है अपनी कार को। भाई आराम से चला ले, कुछ ज़्यादा ही भाई, बंदा मेरी बिल्कुल भी दोस्तों बात नहीं सुन रहा। भाई आराम से चला ले, मैं कुछ कह रहा हूँ तेरे को, चल चल चल। बाकी दोस्तों इसकी गाड़ी ना यार यहाँ साइड में वो गिर रही है, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी गाड़ी गिर रही है भाई, भाग के चला गया भाई, कितनी तेज़ गया। सही ठुक गई इसकी गाड़ी, क्योंकि यार ये कुछ उबड़ खाबड़ से रास्ते हैं जिनके ऊपर गाड़ियाँ बहुत आराम से चलती हैं। भाई आराम से चला ले, चल 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 सीधा चल चल चल। बाकी दोस्तों यार वो आगे चल रहा है, मैं उसके पीछे हूँ क्योंकि भाई यही सही रहेगा, क्योंकि भाई बंदा बहुत डेंजरस लग रहा है, बहुत तेज़ चला रहा है गाड़ी। आते हुए तो बोल रहा था कि नहीं सर जी मैं बहुत आराम से चलाऊंगा, ये वो दोबारा अपनी गाड़ी को ठोक रहा है। मुझे लगता है भाई इसको अपनी स्कॉर्पियो से बिल्कुल भी यहाँ पर प्यार नहीं है, जैसे मुझे अपनी फॉर्चुनर से है ना इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं अपनी स्कॉर्पियो से, तभी ये ऐसे ऐसे खुदा रहा है उसको S11 को। वह भी सोच रही होगी आज मैं कहाँ किसके हत्तों में आ गई। भाई साहब बहुत तेज़ चला रहा है भाई ये गाड़ी। चलिए मैं यार यहाँ से तो यार आराम से इसके ऊपर को चला देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए ये गड्ढों का सामना करना पड़ेगा भाई। आजा भाई आजा, फंस गई गाड़ी छोरे आजा। लगता है भाई इसकी गाड़ी जो है फंस चुकी है यार वहाँ पर, अभी आएगा आराम से आएगा। चल यार मैं जल्दी से दोस्त इधर से लेकर चलता हूँ इसको। अरे मैडम जी क्या हाल है, बढ़िया। चलिए तो गाइस हम जब पहुंचने वाले हैं माउंट चिलियार्ड के ऊपर, और मैं ज़्यादा हाई स्पीड पर भी लेकर जा रहा, मैं काफ़ी प्यार से चला रहा हूँ दोस्तों गाड़ी का। अरे शिट भाई मेरी गाड़ी फंस गई, पीछे से धक्का दियो, हल्का सा धक्का दे दे। अबे तेरी, इतनी ज़ोर से धक्का नहीं मांगा था। अबे यार दोस्तों दोबारा फंस गई। चलो निकल गई। चलो सही है भाई, यहाँ पर दोस्तों आराम से चलानी होती है वरना गाड़ियों का भाई बैंड बज जाते हैं, और बहुत ख़तरनाक तरीके से दोस्तों यहाँ पर गाड़ियों वाड़ियों की जो बैंड बजती है। भाई धक्का दे। सही है। दे। चढ़ा दी, चढ़ गई। चढ़ जा, दे धक्का दे। सही है दोस्तों चढ़ गई, आ जा तू भी। भाई वो आ रहा है, उसकी स्कॉर्पियो में थोड़ा भाई फॉर्च्यूनर से ज़्यादा पावर है क्या? महिंद्रा टोयोटा से ज़्यादा खतरनाक कार बनाते हैं क्या? लगता तो भाई ऐसा ही है, इस S11 को देखकर भाई फॉर्च्यूनर को टक्कर दे रही है, लेजेंडर को वो भी। देख रहे हो मेरी लेजेंडर है भाई, इतनी ज़्यादा सही नहीं चल रही जितनी वो फॉर्च्यूनर S11 चल रही उस बंदे की।
यहाँ से आराम से निकालता हूँ भाई, यहाँ ना लग जाए भाई। दोबारा ठुक गई यार यहाँ पर भाई, आराम से। अबे भाई मैं नीचे गिर जाऊँगा, मैं नीचे गिर जाऊँ। गिरा 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 गिरा, बच गया बच गया बच। अबे तेरी, गिर जाऊँगा, हट जा साइड हो जा। चलो चल आगे, चल आगे, चल वहाँ ऊपर मेरा इंतज़ार करियो। तो गाइस चलिए चलते ऊपर, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा वहाँ पर। भाई बहुत तेज़ तेज़ कूदा रखी है उसने गाड़ियाँ, मुझे तो ऐसा लगता है उसकी गाड़ी जो नीचे जाकर गिरेगी। चलिए तो गाइस हम जो है इधर खड़े होते हैं यार, यहाँ पर लाकर अपनी कार्स को इधर एक बार शो ऑफ करते हैं। ओ भाई इधर भी ठुक ठुक करी जा रही है। आजा भाई यहाँ खड़ी करते गाड़ी, आजा मेरी गाड़ी में मत ठोकियो। बाकी दोस्तों इसकी एस 11 की तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, ये नीचे जा रहा है क्या? हाँ तो भाई हो जाए फिर बता। ओ भाई गिर मत जाइए, बता क्या होता है। ओ भाई साहब ही गिर रहा है बेचारा बार बार, आजा। अबे आ मार क्यों रहा है मुझे, आजा तेरी ऐसी तैसी, हट जा, कुपोषण का शिकार है दोस्तों। इधर आ भाई, इधर आ, ऊपर आ रो, इधर आ। तो गाइस यार ओ भाई साहब मेरी गाड़ी तोड़ रहा है यार ये बंदा, क्या तू पागल हो गया है क्या भाई? मुझे यार भागना चाहिए यहाँ से, धोखेबाज दोस्त है तो। मैं बेटे क्रैश टेस्ट करने जा रहा हूँ तेरी ऐसी तैसी। तो गाइस चलिए हम क्रैश टेस्ट करते हैं यहाँ पर, फॉर्चुनर लेजेंडर का, वो भी ऐसी लेवल लेकर आ रहा है। अगर तूने मेरी गाड़ी फोड़ी ना बेटे, फोड़ मत दियो, अभी बता रहा हूँ मैं तुझे। चलो तो दोस्तों यार वो बंदा खतरनाक पागल हो गया, मुझे अपनी यहाँ पर लेजेंडर दोस्तों मैंने कुदा दी उसके आने से पहले ही, और मुझे लगता है ना गाड़ी के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आएगा। क्या कहा था मैंने, नहीं गाड़ी भाई कुछ अलग है भाई, ये फॉर्चुनर लेजेंडर है दोस्तों, इसकी ताकत का इस बंदे को कहाँ अंदाज़ा भाई। पर मैं फंस गया यार, इसकी जो थोड़ी सी पावर है दोस्तों वो कम पड़ रही है, बट गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बट अगर पावर भी यहाँ पर टोयोटा दे देता ना, बिल्ड क्वालिटी नहीं, बिल्ड क्वालिटी दी है टोयोटा ने बट इंजन पावर नहीं दी, महिंद्रा ने इंजन पावर दी है बट बिल्ड क्वालिटी नहीं दी, बस ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ये जो होता है बाकी और कुछ भी नहीं है। चलिए ओ भाई साहब सही है सही है सही है सही है, चलो यार नीचे लेकर चलता हूँ मैं इसको। बाकी दोस्तों अपनी लेजेंडर को तो भाई कुछ भी नहीं हुआ। भाई किधर हो सर जी, नीचे आओ। पता नहीं यार वो बंदा किधर रह गया। ओ भाई साहब कहाँ से लाया अपनी गाड़ी को भाई साहब, इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी एस 11 की यार। बाकी यार मेरी गाड़ी पता नहीं यार यहाँ पर क्यों फंस रही है बार बार, एक ये मेरी गाड़ी है, एक वो है, वो गाड़ी भी है, देखना कितनी आराम आराम तेज़ी से जा रही है वो, और एक मेरी गाड़ी देख लो तुम, बिल्कुल भी नहीं जाया जा रहा भाई मेरी कार से, ऐसा लग रहा है जैसे अटक गई हो, जैसे अटक सी नहीं जाती गाड़ियाँ वो हो गई हो। चले कोई बात नहीं, हम भी इसको आराम आराम से लेकर चलते हैं नीचे। ओ शिट, यही तो बातें होती हैं, यही तो बातें हैं। चलो खैर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी दिक्कतें होती रहती है सेनोरिटा। चल भाई चल 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 मेरी धनो लेजेंडर, चल 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 मेरी धनो, चल चल भाई लेजेंडर दोस्तों फंस बहुत रही है यार यहाँ पर। बाकी कोई नहीं यार, मुझे मत लगता है मदद ही बुलानी पड़ेगी। बट दोस्तों जो उसकी हालत हुई है ना यहाँ पर एस 11 की, ऐसी भाई अपनी फॉर्चुनर की नहीं हुई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी है। आपको इस बारे में क्या कहना है एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोग क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पर कोई न्यू गेम ट्राई करूँ? ओ भाई इसकी गाड़ी की हालत देखो कैसी हो गई, या फिर दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है ओ दोस्तों कुछ नई गाड़ियाँ ट्राई करनी चाहिए भाई, वो मेरी उसको भी ले गया भाई टोक टोक के भाई साहब। तो यार एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी यार मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।